मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? थैंक यू। आपके मेरी मंजिल एक। थैंक्स। चलो। सब मामला फिट है ना? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों? सब ठीक है ना? सब ठीक है। चरस, भीम, गांजा, कोकीन, बाकी LSD, हशीश, हीरोइन, मामला फिट है। गुड जॉब। थैंक यू। कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं, रोमांस करते हैं। कहते हैं ये है डिस्को, कहते हैं ये है डिस्को, ये वर्जिश हमें समझ ना आई, चलो यहां से खिसको। कुछ लड़के कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं और रोमांस करते हैं। जो डांस में मजा है, रोमांस में मजा है, ये बूढ़े क्या जाने यारो, इन्होंने क्या देखा यारो। जो डांस में मजा है, रोमांस में मजा है, ये बूढ़े क्या जाने यारो, इन्होंने क्या देखा यारो। दरवाजा और खोल के दिल की खिड़कियां और डांस करते हैं, रोमांस करते हैं। Oh,
पानी के आए हैं, फिर ये रातें कहाँ होंगी, जो भी कहना है कह डालो, फिर ये बातें कहाँ होंगी। ओ, दिन जवानी के आए हैं, फिर ये रातें कहाँ होंगी, जो भी कहना है कह डालो, फिर ये बातें कहाँ। करके दरवाजा पर खोल के दिल की खिड़कियां, अरे डांस करते हैं, रोमांस करते हैं, कहते हैं ये है डिस्को, ये वर्जिश हमें समझ ना आई, चलो यहाँ से खिसको। कुछ लड़के कुछ लड़कियां बंद करके दरवाजा पर खोल के दिल की खिड़कियां, अरे डांस करते हैं, रोमांस करते हैं। अरे डांस करते हैं, रो रोमांस करते हैं, अरे कहते हैं ये है डिस्को, ये वर्जिश सबसे अच्छी है, उड़ो तुम भी चुटको। ला 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 देखो जगमोहन, मैं समझता अशोक जी। डैडी, अरे अंकल, अच्छा हो आप मुझे यहीं मिल गए। क्यों, फिर कोई चैरिटी शो कर रहे हो? जी हाँ, और इस बार आपको 4 टिकटें लेनी पड़ेंगी। क्यों भाई? फॉर गुजरात रिलीफ फंड। अच्छा अच्छा, दुनिया भर की रिलीफ के लिए तो फंड इकट्ठा करते हो और अपनी रिलीफ के लिए मुझसे फंड मांगते हो, तुम फैक्ट्री क्यों नहीं आते? डैडी बात यह है कि मुझे फैक्ट्री वगैरह में दिलचस्पी नहीं है। तो आपको किसमें दिलचस्पी है? मुझे शौक है म्यूजिक का, एक्टिंग का। लेट म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, सेट बाय शेक्सपियर, बस यही मेरी हॉबी है। हॉबी से पेट नहीं भरता, उसके लिए कमाना पड़ता है। मुंह पर चूना मलकर नाचना भांडो का काम है। अरे डैडी, आर्ट को आप भांडो का काम बोलते हैं? भांड में क्या तुम्हारा आर्ट? आज के बाद इस घर में एक्टिंग एक्टिंग की बात नहीं होगी, सुन लिया तुमने? जगमोहन, इसकी हॉबी है, करने दो, जवान बच्चा है, अपने आप जिम्मेदारी समझ जाएगा। राजनारायण, अगर ये आके फैक्ट्री संभाले तो मेरा कितना बोझ हल्का हो जाए। वो सब ठीक है, लेकिन आदमी का जिस काम में शौक हो उसी में तरक्की कर सकता है। अब फिर तुम्हारे जीते जी अपना शौक पूरा नहीं करेगा तो कब करेगा? हा? अशोक। हाँ माँ। बेटा, तू तो जानता है जब से दिल का दौरा पड़ा है वो जरा चिड़चिड़े हो गए हैं, और फिर डॉक्टर ने भी उन्हें कहीं आने जाने को मना किया है। लेकिन माँ, तुम्हें तो मालूम है मैं हिसाब किताब से कितनी दूर भागता हूँ, कभी कहीं नुकसान हो गया तो। अरे काम करते करते ही तो सीखेगा, आज नुकसान होगा तो कल फायदा भी होगा, और फिर राजनारायण जी तो है ही तेरी मदद के लिए। हा? चल मुंह हाथ धो के खाना खा ले। अच्छा। चलो तो सही, बैठ जाओ। चलो बैठ गया। अबे क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है तू?
माँ ने अवले का मुरब्बा बनाया है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अरे संभाल के, बर्नी टूट गई तो भाभी मार डालेगी। खट्टा मीठा है चाचा। अबे मुझे भी तो दे। रुको, पहले मुझे खाने दो। अबे जल्दी दे नहीं तो गिरा दूंगा। चाचा भतीजा मिलकर चोरी चोरी मुरब्बा खा रहे हो? अरे भैया मैंने तो अभी तक चखा भी नहीं। चखा भी नहीं? नहीं। ठीक है, हम चख के देखते हैं। अच्छा, क्या बात है, वाह। चाचा मुझे नीचे उतारो। अरे मेरे लिए तो एक निकाल। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। निकाल। क्या हो रहा है? हाँ जी, चोरी चोरी ये बच्चे लोग मुरब्बा खा रहे हैं, देखो ना। और बड़े बच्चे की राल टपक रही है। जानते हैं डॉक्टर ने आपको मीठा खाने को मना किया है। देखा, मैंने कितनी बार कहा कि मीठा मत। चुप रहे। चलिए नहा लीजिए, नहीं तो काम पे देर हो जाए। जाओ जाओ जाओ, काम पे जाओ जाओ। भाभी मैंने कितनी बार कहा भाई मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, कोई सुनता ही नहीं। तू नीचे उतर। नीचे उतर। चल नीचे उतर। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि बर्नी को हाथ मत लगाना, क्यों हाथ लगा? चलो बर, नीचे बैठ जाओ। मैं नीचे नहीं बैठूंगा। मारो एक पंच। अरे शक्ति, तुम तो आए दिन हजारों रुपए ऐसे मांगते रहते हो जैसे मेरा हाथ नोट छापने वाला ठप्पा हो। जहाँ हाथ लगा नोट छप गया। हाथ नहीं डैडी, सिर्फ अंगूठा और उसके साथ उंगलियों में दबाए हुए पेन से आपका एक दस्तखत मेरे लिए बॉक्सिंग कंपटीशन का सारा खर्च निकाल देगा। गुड मॉर्निंग। लीजिए, देने वाला भी आ गया। आओ, दरवाजा खुला है। सिर्फ दरवाजा ही नहीं खुला बल्कि मेरी किस्मत भी खुल गई, क्योंकि आज सुबह सुबह सेठ राजनारायण जी के दर्शन हो गए। तो तुम भी शक्ति से मिल गए हो? शक्ति से मैं नहीं मिला, शक्ति मुझे मिला कल सुबह और बोला कि सेठ जी को 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, किसी भी तरह इंतजाम किया जाए। अरे पहले से ही तुम्हारे कर्जे का इतना बोझ है जो मेरे लिए चुकाना मुश्किल है, और ऊपर से तुम फिर हुंडी लेकर आ गए। कभी ये भी सोचा कि हुंडियों के रुपया कैसे वापस करूंगा मैं? सोच लिया डैडी, बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में 20,000 रुपए का नगद इनाम भी है, मैं वो इनाम जीतूंगा और आपका कर्ज चुका दूंगा। और क्या, भला पिछले साल के चैंपियन को कोई हरा सकता है? डैडी इस कॉम्पिटिशन में तो 2 चैंपियनशिप जीतनी है। 2 चैंपियनशिप, वो कैसे? एक तो 20,000 रुपए का इनाम, दूसरे जगमोहन जी की लड़की अनीता से दोस्ती बढ़ाकर आपका इकलौता बेटा आपके लिए एक इकलौती बहू लेके आएगा। वाह वाह वाह, आखिर दोस्त किसका है? देखा आपके बेटे ने कितनी दूर की सोची है, आप तो पूरी फैक्ट्री के मालिक हैं। अरे काहे का मालिक, आधे हिस्से का। अरे तो क्या हुआ, अभी तक आधे हिस्से के हैं, बहुत जल्द आपका बेटा आपको पूरी फैक्ट्री का मालिक बना देगा। तो ये साइन कीजिए। डैडी साइन कीजिए और अपने बेटे पे भरोसा रखिए। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी हो गई। छोड़िए। अरे डरती क्यों हो, तुम तो मेरी साली हो, इकलौती साली, और साली आधी घरवाली है, ठीक है ना? होश में आइए, आप इस वक्त नशे में हैं, चलिए अपने कमरे में। मेरे कमरे में? मेरे कमरे में क्या है, वो तुम्हारी लंगड़ी बहन शीला? ओहो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? सारी रात जाग कर काटती हो, कहो तो चौकीदार की छुट्टी कर दो, ठीक है ना? छुट्टी तो तुम मेरी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर डैडी ये जायदाद और मकान मेरे और शीला के नाम ना कर गए होते तो तुम उसी दिन मुझे जहर देकर मार डालते जिस दिन मैं एक्सीडेंट में अपाहिज हो गई थी। Will you shut up? आइंदा फिर कभी ऐसी बकवास की तो मैं सच में तुझे जान से मार डालूंगा। दीदी, दीदी, उमर दीदी,
अपना। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा मेरा कलर बॉक्स लाए। हम हमारे मुन्ने का कलर बॉक्स कैसे भूल सकते हैं? ले लो। ठीक है। अरे हाँ, ये तुम्हारा नहीं, ये है तुम्हारी माँ का, समझे? क्या लाए हो मेरे लिए? खुद ही देख लो। ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? ओ भगवान, अरे खर्चे तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं, लेकिन साल दो साल में एक आध बार फिजूल खर्ची भी होनी चाहिए, वरना आदमी की सारी जिंदगी फिजूल लगने लगती है। मुन्ना है ना? मुन्ना रंग क्यों खराब कर रहा है? अपने चाचा से पूछ के भरना हूँ। ये क्या, अभी तक इसका चाचा नहीं आया? या खाना खाकर निकल गया बाहर? आपको क्या हो गया? क्यों मालूम नहीं, वो बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन के लिए बाहर गया है, इस वक्त ट्रेन में होगा। अपना पर्स निकालो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो चेन खींच कर चीखूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अबा बा बा, हम बोलना नहीं आता? अबा बा 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 बा, सुनना भी नहीं आता? अबा अबा बा बा, अबा 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 बा, लिख के देना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो चेन खींच कर चीखूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तो चीखो। तुम बोल सकते हो? और मैं सुन भी सकता हूँ, और अब तुम जैसी लड़कियों को पुलिस के हवाले करता हूँ। नहीं, 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 मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर। तुम जैसी लड़कियों को माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ शर्त लगा के आई थी कि मैं आपको तंग करूंगी, आप तो स्टेशन भी आ गए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दीजिए ना प्लीज। कुछ हुआ? कुछ हुआ यार? अरे कुछ क्या, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन इन्होंने कुछ करने नहीं दिया। हार गई। चलो अरे 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 देख के चलो, अरे अंदर चले दो, इधर हाथ लगा दे। अरे अरे इतना लड़की लोग अंदर से निकला है, इतना चैंपियन किधर है? अरे चैंपियन तो वो क्या खड़ा, उधर खड़ा है ना। अरे बाबा तुम इतना लड़की लोग को लेके घूमेगा तो चैंपियन कहाँ से बनेगा? ये बाबा बहुत बड़ा चांस गया। क्या का चांस? ये कौन है? अरे ये तो वानिया हमारा असिस्टेंट है, एकदम नंबर का हरामी है। ए बाबा तुम हमको हरामी बोलता है? अरे हम तो डमी को हरामी बोलता है, तुम तो बॉक्सिंग पंचिंग बैग है ना। देखो यहाँ से जल्दी चलो, प्रैक्टिस के लिए स्पारिंग पार्टनर रेडी बैठा है और रिंग भी बुक किया हुआ। चलो 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 चलो, सामान निकाल। चलो अनीता, वाटर स्कूटर चलाए, मैं तो स्विमिंग करने जाऊंगी। मैं तो अपना सामान रखकर शॉपिंग करूंगी, तुम लोग जाओ। अनीता बाय। ये लो तुम लोगों के लिए 6 कमरों का इंतजाम कर दिया है, बाकी अपने आप संभाल लेना। अरे शक्ति, सुबह से तुम कहाँ गायब थे? अरे यार मैं इनको स्टेशन पे लेने गया था। तुम लड़कियों की फिक्र कम क्या करो और चैंपियनशिप की ज्यादा, जानते हो आज तुम्हारा सेमीफाइनल है। ओहो बाप रे, बहुत बड़ा हाथ मारा आपने, कई ट्रेन वाली एक्टिंग तो नहीं की? आप क्या समझते हैं? मैं धीरे बोलिए, सड़क है सड़क। मिस्टर ये सब मैंने अपने पैसे से खरीदा है, ये देखिए कैश में, जाने दीजिए मुझे। हाँ ये जाना आना कब तक चलेगा, अब तो रुक जाइए। क्यों? वरना जबरदस्ती का मौका कैसे मिलेगा? देखिए मिस्टर मैं जबरदस्ती नहीं, कभी प्यार से। प्यार से क्या? मुस्कुरा दीजिए,
रास्ता छोड़िए, आप गुस्सा छोड़िए, हटिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ चलो, अरे तुम मेरे साथ चलो बॉक्सिंग रिंग में। इधर लड़की लोग का पीछे जाएगा तो बॉक्सर का पंच ढीला हो जाएगा। एक मिनट के लिए आता हूँ ना, चलो मैच का प्रैक्टिस करने का। वो तो ठीक है शक्ति, लेकिन कल के बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में विनोद ने उस आदमी को क्या नॉकआउट किया है। देखो प्लीज देखो शक्ति, मुझे तो लगता है मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम। अरे तुम लोग जानते नहीं मुझे, मैं तो उस खंबे को भी गिरा सकता हूँ। कल देखना, मैं सुबह उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करके मैं चैंपियन बन जाऊंगा। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा फाइनल में जीतना मुश्किल। अरे वो जानता नहीं उसका मुकाबला किससे है। अरे छोड़ो यार, कल की बात कल देखेंगे। तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? हम तो सब शॉपिंग करेंगे। हाँ, शॉपिंग। अच्छा तुम लोग जाओ, मेरा एक काम है, मैं वो करके होटल में मिलता हूँ। ओके बाय। बाय, चले चले चले। सामने ही है दुकान, रास्ता क्रॉस है। तुम लड़की लोग का पीछे ऐसा लाइन मारेगा ना तो चैंपियनशिप का फाटंग हो जाएगा। ये फाटंग क्या है? फाटंग नहीं मालूम, आटंग का बाप फाटंग। तू फिक्र मत कर, मैं चैंपियन बन के रहूंगा, मैं आता हूं। अरे ये ऐसा लड़की लोग के पीछे कैसा चैंपियन बनेगा? खोदाई को मालूम है, खोदाई को। अरे चल बाजू हटनी बाबा। ए बाबा उधर चलो, चलो उधर चलो। Yes sir, what do you want please? Wow. एक ये जी, एक ये हाँ जी, और एक वो एक में ये लीजिए। हाँ, ये वो जो पीले कपड़े वाली मेम साहब है ना, राइट, उनके सामान के साथ पैक कर दीजिए। ओके सर, मेरी मिसेज है। राइट, थैंक यू। बाय। पत्ते खेल रही हूँ बस, अभी तो जमाया है। तू यहाँ घूमने फिरने आई है या शॉपिंग करने? आज क्या लाई है वही जरा देखो। छू नहीं यार, ऐसी क्या खास बात है तेरा? अभी तो देखो देखो ये क्या है? ये आदमियों के अंडरवेयर की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? कुछ गड़बड़ लगती है भाई, ये तो रेजर बॉक्स भी साथ में लेकर आई है। ये प्राइवेट शॉपिंग किसके लिए है यार? हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी, आप में से मेरी मिसेस कौन है? क्या? आपकी मिसेस? जी हाँ, दुकानदार ने कहा कि मेरी मिसेस ले गई हैं। क्या ले गई? जो मैं लेने आया हूँ। क्या लेने आए हैं? देखिए, ये मेरी और मेरी मिसेस की बात है, आप हैं क्या? जी जी, मेरा मतलब माफ कीजिएगा, एक मिनट इधर आएंगे। मेरे ख्याल से दुकान में आप गई थी। ओहो, लगता है ये सामान आप ही का है, गलती से दुकानदार ने मेरे सामान के साथ बांध दिया। हाँ, ऐसा ही लगता है। भगवान करे दुकानदार ऐसी ही गलती करता रहे और आप बनते बनते एक दिन मेरी बन जाए। क्या ख्याल है अनीता? सोच ले, साथ में पंच खाने पड़ेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक दोस्त से अंडरवेयर लेने आया था। तुम सिर्फ लड़कियों से मिलते हो या मर्दों से भी? लड़कियों से मैं इस तरह मिलता हूँ और मर्दों से मैदान जंग में। मारनी मारनी।
great pleasure in announcing that Mr. Vinod Kumar Sharma. हमारा जिगरना टुकड़ा, हमारा बच्चा खुदाया इज्जत राखी दी थी। At Panjim Village. तुम ना चलिए, तुम नहीं चलोगे। अनीता, जाने को ऐसा लग रहा है, जैसे कोई पागल का सपना हो। बॉम्बे जाकर भूल तो नहीं जाओगे? नहीं विनोद, अब हम एक हैं, हमेशा के लिए। डरता हूँ, कहीं तुम्हारे घर वाले मुझ जैसे आदमी के साथ तुम्हारी शादी करेंगे। मैं मना लूंगी, हम दोनों के एक होने में अशोक भैया हमारी मदद करेंगे। बाय। कब आओगे तुम? परसों। बाय। माँ आ गई बेबी। हाय डैड। हाँ बेटी, हाउ आर यू? फाइन। कैसा रहा प्रोग्राम? फर्स्ट क्लास डैड। आपकी तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास फिट। दी 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 रूपा माँ कहाँ है? ऊपर भैया को प्रसाद खिला रही है। भैया घर पे है? हाँ चलो। मम्मी, माँ, अनीता, पेड़ा तो दो माँ। हाँ, अरे मोटी आ गई, मोटी मोटी भैया। अच्छा ये बता, तेरी पिकनिक कैसी रही? फर्स्ट क्लास। तुम्हें तो बोला था साथ में आने को। हाँ सफर में तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ तो हुई माँ, लेकिन तकलीफ के बिना खुशी थोड़ी मिलती है। अच्छा ये बता, वहाँ क्या क्या देखा तूने? बॉक्सिंग देखो, बॉक्सिंग बहुत त्रिलिंगा। और फिर ये क्या कम है, पहली दफा तो घर से बाहर गई हूँ, नई नई जगह देखी, नए नए लोग मिले, नई नई दोस्तियाँ हुई। माँ तुम मोटी की कहानी सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या 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 क्या, कौन सी जगह का नाम लिया? ऑफिस। सच है बेटी, आज से अशोक ऑफिस जाए। अरे वाह भैया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बाय मोटी बाय। ये हमारा कंटेनर बनाने का डिपार्टमेंट है और इस तरह मशीन में पत्रे की कटिंग होती है। भैया चलिए। आओ 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 बेटा आओ। मुझे जगमोहन का फोन आया था, ये तुमने बहुत ही अच्छा किया जो आ गए। आओ ये तुम्हारे डैडी की कुर्सी है, बैठो। मैं? अरे भाई मुझे उन्होंने खास तौर से कहा कि मैं तुम्हें इस कुर्सी पर बिठाऊं, बैठो। मुबारक मुबारक। थैंक यू अंकल। मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा, अब मेरी भी तो उम्र हो चली है, अकेला इतना बड़ा काम कर नहीं सकता हूं मैं, लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब काम आसान हो जाएगा। साहब यूनियन वाले आपसे मिलना चाहते हैं। उनको अंदर भेजो। अच्छा साहब। अपनी फैक्ट्री की मजदूर यूनियन है जो पिछले 2 साल से बोनस की मांग कर रही है, लेकिन हमारी फैक्ट्री की बैलेंस शीट 3 साल से नुकसान दिखा रही है और अब ये लोग हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। नमस्ते सेठ जी। आओ मिस्टर दिनेश, ये सेठ जगमोहन के सपूत है मिस्टर अशोक। नमस्ते जी। आज से फैक्ट्री की सब देखभाल यही करेंगे। हमें खुशी है सेठ जी, और यकीन है कि अशोक बाबू हम मजदूरों की तकलीफ समझेंगे और उसे दूर करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है, अंकल से सलाह करके 2-4 दिनों में मीटिंग रख लेते हैं। अशोक बाबू 2-4 दिन सुनते सुनते 4 साल बीत गए, अगर हमारी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो हम हड़ताल करेंगे। धमकी मत दीजिए, मुझे धमकी सुनने की आदत नहीं। ये बात नहीं है अशोक बाबू, इसके कहने का मतलब यह है धमकी नहीं, हम करके दिखाएंगे। कुंदन चलो भाई चलो। नमस्ते जी। अंकल मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं गलत तो नहीं कहा, लेकिन इन लोगों के साथ बहुत नरमी और प्यार से बात करनी चाहिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं सब संभाल लूंगा। वाओ अशोक बाबू, आपको इस कुर्सी पर बैठे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इस कंपनी का सोल एजेंट होने के नाते मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, आओ बैठो। अशोक मैं जरा गोपाल से दिसंबर एंडिंग तक का हिसाब ले लेता हूँ। आओ गोपाल। सी यू। राजनारायण जी आज 30 तारीख हो गई है, फैक्ट्री आ रहा था, सोचा क्यों ना अपनी उस हुंडी को कैश कर लूं, क्योंकि इसकी तारीख भी हो गई है और फिर बाकी हुंडियों के लिए तभी टाइम है। इसे जेब में रखो, अशोक देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर रोकड़ा दे दीजिए। गोपाल आज रुपयों का बंदोबस्त नहीं हो सका, मुझे कुछ दिन की मोहलत और चाहिए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, घर की बात है, ऐसा कीजिए ब्याज दे दीजिए, हुंडी मैं दूसरी बना लूंगा। तो फिर ऐसा करो कि शाम को घर पे आ जाओ और ब्याज ले जाओ। लेकिन भैया तुम सोच समझ के बात किया करो भैया। आओ आओ विनोद आओ,
जीते रहो विनोद, जीते रहो। मैच कैसा रहा विनोद? वो बात जमशेद जी मुक्का वाला को पूछो, ये देखो मैच का रिजल्ट। मुक्का अंकल, ये मेरे लिए लाए ना, मैं इसमें दूध पीऊंगा। अरे इसमें दूध नहीं पीते। देखो डिकरा, एक कप तो हमारे जिम में हम रखेगा पब्लिसिटी के वास्ते, तो जिसको भी विनोद के जैसा चैंपियन बॉक्सर बनने का होगा तो पहले जमशेद जी मुक्का वाले का मुक्का खाना मांगता है। आपके मुक्के का भी जवाब नहीं। कामयाबी मुबारक हो विनोद। थैंक यू। मुबारक बात उसके ट्रेनर को दो, जमशेद जी मुक्का वाला, ABC इंडिया, DEF जर्मनी, XYZ रशिया, प्यूजिलिस्ट एंड फिजिकल कल्चरिस्ट। एवन कौन? ये कुंदन है, मेरे साथ फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा काम? ओरे बाबा काम से याद आया, तो चार नाइट से जिमनेशियम गया नहीं हूँ, तो उधर तो डॉली एकदम वरीड हो गई होगी। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो अच्छा एक बात समझ नहीं, देखो आज शाम को मैं थोड़ा बिजी हूँ तो तू आना मत प्लीज। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है। अच्छा अच्छा जरा एक मिनट, आप टैक्सी में जाता है क्या? जी नहीं। तो कैसे पैदल जाता है क्या? जी हाँ। तो आप मेरे साथ मत चलना। क्यों? क्यों, हम लिफ्ट मांगेगा तो दो आदमी को कतर लिफ्ट नहीं मिलता है, इसलिए जरा आगे चलेगा कि एकदम डिस्टेंस। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। भाभी का अंदर है, नहा रही है। बैठो बैठो। क्या है? ये देखो तुम्हारे लिए लाइटर। अरे वाह वाह वाह, लेकिन देख तेरे भाभी को मत बताना। क्यों? वैसे सुबह शाम सिगरेट छोड़ने के लिए वो लेक्चर देती रहती है, इसे देख लेगी ना। अरे भैया तुम भी कमाल करते हो, 7 दिन में 1 दिन पीना छोड़ दो। अच्छा। तो भाभी सोचे कि तुमने सिगरेट पीना छोड़ दी। हाँ। और इधर तुमने पी ली। अच्छी आइडिया है। अरे विनोद तू कब है? अरे भाभी जी जीते रहो, चैंपियन बनकर आया है, चैंपियन कब तो देखो। हे मुन्ना कप में क्या भर रहा है तू? मामा चाचा ने मेरे लिए लाया है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो जिंदगी का हर मैच इसी तरह जीते। एक मिनट भाभी, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं कहूँ मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी? चल शरीर कहीं का। लिफ्ट 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 लिफ्ट। मैडम कैन यू गिव मी लिफ्ट प्लीज? वेयर डू यू वांट टू गो? एज़ फार एज़ यू कैन गो। ओके थैंक यू वेरी मच। ओह यस। तुम हमारे पीछे पीछे क्या करता है? मैं? जाओ आगे जाओ। ठीक है ठीक है, अपना लिफ्ट खुद मांगो, जाओ। मेरा लिफ्ट में घुसता है। भाई साहब लिफ्ट मिलेगी? कहाँ जाना है? मेरे को कहीं नहीं जाना बहन जी, वो उधर उधर वो आदमी खड़ा है ना, उसको जाने का है, बहुत जल्दी में है वो। थैंक यू। नजदीक आइए ना, नहीं तो दरवाजा खुल जाएगा। क्या हुआ? एक ऑफ ही था क्या? रोको 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 रोको। आप क्या है? आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता। सॉरी। नमस्ते गोपाल साहब, बड़े वक्त पर आया, चलिए। वो देखो वो भाग रही है, चलो मेरे साथ जल्दी आओ। ये देखो सामान छोड़ के भागी है, जल्दी उठाओ और भागने ना पाए। जी साहब। जाओ जी साहब। मैं इधर जाता हूँ। मेरी 50,000 रुपए की चीज छोड़कर घर चली आई, इतना बड़ा नुकसान कौन पूरा करेगा? तुमको ये काम इसलिए सौंपा था कि लड़की समझकर पुलिस को शक नहीं होगा। अब खबरदार जो घर से कदम बाहर निकाला, हाथ पांव तोड़कर हमेशा के लिए घर में बैठा दूंगा। चल यहां से, चल। अनीता तुम, मेरे बक्सा का पंचिंग बैग तुम इधर कैसे? विनोद आया है। हाँ ऑफ कोर्स है, वो अपना रूम में चेंज कर रहा है, जाओ मिलो। थैंक यू। तुम क्या कर रहा है, झुका उधर। तुम उसके साथ इस तरह बात कर रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। अब उस बात को भूल जाओ, रात गई
बात गई, सोच लो हवा का एक झोंका था। शक्ति दी है, मुझे एक आइसक्रीम ला दो ना। श्योर। थैंक यू। सुनिए, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो मोटरसाइकिल में बैठ के गई। सुनिए, मैं इधर से जा रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, लिफ्ट मिलेगी? अरे धर, अरे दो तो थमा गया, मेरे लिए तो एक ही काफी है। कभी खुल के मिले, कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे जले सारा जहां। कभी खुल के मिले, कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे जले सारा जहां। खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे चले सारा मेरा फासला। कभी खुल के मिले, कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे चले सारा जहां। तो निकल जो कहीं, आज फिर से नहीं, क्या इरादा है, ओ जाने जहां। कभी खुल के मिले, कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे चले सारा जहां। दिल ना जला। कभी खुल के मिले, कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे जले सारा जहां। तो निकल जो कहीं, आज फिर से नहीं, तो निकल जो कहीं, आज फिर से नहीं, क्या इरादा है, हो जाने जहां। कभी खुल के, कभी मिलके, कभी खुल के मिले, मिलके खुले, चाहे जले सारा जहां।
डैडी आप समझते क्यों नहीं, पैसे के बिना मैं घर से बाहर कैसे जाऊं? अरे मैं सब समझता हूं। तुम्हारी फजूल खर्चियों को पूरा करने के लिए मैं जो फैक्ट्री के नाम पर कर्जा लेता रहा हूं, अगर उसे चुका ना पाया तो मेरी बदनामी ना होगी? अशोक क्या सोचेगा? अभी आज ही हिसाब करते वक्त वो मुझसे पूछ रहा था। तो क्या हुआ सेठ जी, ये भी पूछ सकता है? अगर अशोक एक पार्टनर का बेटा है तो शक्ति भी दूसरे पार्टनर का बेटा है। गोपाल तुम बेकार की दलीलें देके इसकी हिम्मत बढ़ाते रहते हो हमेशा। जाओ बाकी किताबें ले आओ। सर मुझे इजाजत नहीं है सर। इजाजत? किसकी इजाजत? जानते हो मैं सिर राजनारायण का बेटा हूँ। अंकल जी ओ हाँ अशोक। शक्ति तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस सोचो डैडी की जरा मदद करूं। नहीं सर ये अकाउंट बुक देखना चाहते हैं। अकाउंट बुक्स? क्यों तुम जा सकते हो जोसेफ, लेकिन सुनो मेरे पूछे बगैर कोई अकाउंट्स नहीं देखेगा। या मैं भी नहीं। अकाउंट्स देखना तुम्हारा काम नहीं है शक्ति। क्या तुम अकेले फैक्ट्री के मालिक हो? मेरे फादर भी तो पार्टनर है, अगर तुम ऑफिस में आकर बैठ सकते हो तो मैं भी। हाँ हाँ तुम भी आकर बैठ सकते हो लेकिन मालिक बनकर नहीं। क्यों? मैं भी पार्टनर का बेटा हूँ, सब देख सकता हूँ। तुम मुझे रोक सकते हो, मैं भी तुम्हें रोक सकता हूँ। शक्ति डैडी ये मुझे धमकी दे रहा है। खामोश, तुम यहाँ क्यों आयो? डैडी मैं तो आपकी मदद के लिए आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। माफी मांगो अशोक से, से सॉरी। फैक्ट्री में आयो तो तुम्हें अशोक की उतनी इज्जत करनी चाहिए जितनी मेरी। अशोक शक्ति की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ मुझे इसको बात करने का ढंग पसंद नहीं है। मुझे तो इसकी कोई आदत पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, इकलौता बेटा है इसीलिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे तो इस बात का अफसोस है, डैडी ने अशोक को सपोर्ट करके मेरी इंसल्ट की, माफी मांगने को कहा। तुम मुझ पर भरोसा रखो तो मैं ऐसी तरकीब बताऊंगा कि अशोक ने जो तुम्हारी इंसल्ट की है ना उसका पूरा पूरा बदला चुक जाएगा। ठीक है ना? मजदूर यूनियन सरमाएदारे। दिनेश मुझे तुम्हारी मांगों से कोई इनकार नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि जो तुम लोग मांग रहे हो वो जायज है, लेकिन इन सब मांगों को पूरा करने के लिए फैक्ट्री के पास रुपया चाहिए, जो नहीं है। कैसे नहीं है? फायदा नहीं होगा तो रुपया कहां से आएगा? पैसा तो आता है सेठ जी, मगर आप लोग मजदूरों की आंखों में धूल झोंकते हैं। हां ठीक है। कागजों पे नुकसान दिखाते हैं और जो मुनाफा होता है उसे ऐसे आलीशान बंगले बनवाते हैं। बंगले? ये बंगला मेरे पाता रखा है, फैक्ट्री के मुनाफे से इसमें एक ईंट भी नहीं लगाई है। दोस्तों इस घर में इनकी एक भी ईंट नहीं लगी है, पर सोने की 6-7 हजार ईंटें जरूर बनाई है। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हमें सबूत नहीं बोनस चाहिए। तुम्हारा हक तुम्हारी मजदूरी है जो तुम्हें मिलती है, तुम में से कोई कह सकता है उसे मजदूरी नहीं मिली? मजदूरी मजदूर में भी फर्क होता है सेठ जी। आपके बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारे बच्चे लंगोटी। आपके घर में दिन रात 10 किस्म के खाने बनते हैं और हमारे घर में कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ये फर्क क्यों सेठ जी क्यों? हम ये फर्क मिटा के रहेंगे। मिटा सकते हो तो मिटाओ, लेकिन पहले वो रुपया लाओ जो फैक्ट्री में लगा है। उन हुंडियों पे दस्तखत करो जिन पर हजारों रुपया ब्याज देना पड़ता है। जाओ सरकार से वो लाइसेंस लाओ। अरे ये सब नाटक है, ये सब दिखावा है। चलो भाई चलो 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 चलो। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं मामा। बिठा दो जल्दी से, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। नहीं मुझे तो जैसे मंझधार में छोड़ गए, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, किनारा नजर नहीं आता। भाभी इंसान कितना मजबूर है, हम भाई साहब को वापस नहीं ला सकते। डैडी मरे नहीं, मारे गए हैं अंकल। उन्हें उकसाया गया था, जोश दिलाया गया था, और इन सब का जिम्मेदार वो फैक्ट्री का यूनियन लीडर दिनेश है। नहीं भैया,
वो बेचारे हमारे डैडी की मौत क्यों चाहेंगे? ये तो हमारी बदकिस्मती है, शायद भगवान को यही मंजूर था। नहीं अनीता, मैं ये नहीं मानता। तुम्हारे डैडी का सुनकर बहुत दुख हुआ। घर इसलिए नहीं आया कि मैं किसको जानता नहीं था। हार्ट अटैक के बाद जब बेहोश हुए उसके बाद उनको होश ही नहीं आया। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। आओ ना भैया। ओह चलो ना, तुम्हें याद है जब मैं पिकनिक पर गई थी तो मैंने एक बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बताया था? ये वही बॉक्सिंग चैंपियन है। ये है मेरे भैया और ये मिस्टर विनोद है ना। हम पहले मिल चुके हैं, आपके डैडी का सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ मिस्टर विनोद, ये दुनिया बड़ी बेरहम है। अपने थोड़े से फायदे के लिए लोग किसी की भी जान ले सकते हैं। मेरे डैडी का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो एक फैक्ट्री के मालिक थे। भैया इनके भाई साहब भी अपनी ही फैक्ट्री में काम करते हैं। अपनी फैक्ट्री में? क्या नाम है उनका? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा, ओ तो आप उनके छोटे भाई हैं जो यूनियन के लीडर हैं। जी। क्या आप भी किसी यूनियन के लीडर हैं? मिस्टर अशोक, अच्छा पेशा है, इज्जत भी है और कमाई भी, और फिर कमाई भी दो तरफ से, वर्कर से यूनियन के लिए पैसा लेना और मालिकों से समझौते के लिए। लगता है आप भी अपने भाई के समझौते के लिए मुझसे पैसा मांगने आए हैं, लेकिन गलत जगह आए हैं मिस्टर विनोद। हम समझौते के लिए पैसा नहीं देते। मिस्टर अशोक, रुपए से आप मजदूरी खरीद सकते हैं लेकिन एक सच्चा और वफादार मजदूर नहीं खरीद सकते। और एक बात याद रखना, यह जरूरी नहीं कि हर मालिक ईमानदार हो, और यह भी जरूरी नहीं कि हर मजदूर ईमानदार हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वर्कर्स का जोश खत्म हो जाएगा, ठीक है, और हमारी मांगों की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा मालिकों का। क्यों कभी चले? मैं भी यही कह रहा था, जब तक हम हड़ताल की बात इस वक्त हड़ताल करना अच्छा नहीं। क्यों? देखो सेठ जगमोहन हमारे मालिक थे, उनकी मौत हुए कुछ ही दिन तो गुजरे हैं। एक बार अशोक बाबू को फैक्ट्री का पूरा कामकाज अपने हाथ में लेने दो, उसके बाद हम हमारी मांगे उनके सामने रखते हैं। अगर जी माफ कीजिएगा विनोद, यहीं रहते हैं? जी वो घर पे हैं? वो तो बाहर गया है। तो मनीता हो ना? जी आओ ना। अब समझ में आया कि दिनेश भैया हड़ताल क्यों डाल रहे हैं। मतलब? मतलब साफ, लगता है आजकल आपका सेठ जी के यहाँ आना जाना शुरू हो गया है। कुंदन भैया, आप बात का बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि ये सेठ जी की लड़की यहाँ क्या करने आई? सेठ जी की लड़की? आपने पहचाना नहीं? मुझे तो लगता है कि अशोक बाबू ने आज आपको खाने के लिए बुलाया है। अंडर द टेबल कुछ बातें हुई आपसे। अंडर द टेबल माने? अंडर द टेबल का मतलब जो लीडरों से। कुंदन तुम समझते हो मैं रिश्वतखोर हूँ? नहीं भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि वो देंगे। मैंने कब कहा कि आप लेंगे? और फिर आपकी ईमानदारी पर किसे शक हो सकता है? मगर जरा संभल के, ये सरमायादार लोग बड़ा आड़ा तेड़ा जाल फेंकते हैं। तो हम चलते हैं, जो कुछ बात हो बाद में बता देना। आओ भीमराव, चलो गोपीचंद आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। वो तो हो गया भाभी, मुझे विनोद ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, तभी तो मुझे पता चला तुम किसकी बेटी हो। भाभी मैंने तो सोचा था कि अशोक भैया की मदद से मेरी और विनोद की, यानी कि हम दोनों की, लेकिन अब तो न जाने क्यों भैया के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि पिताजी की मौत दिनेश भाई साहब की वजह से हुई थी। नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बैठो, मैं अभी आई। क्या है? इधर आ, ये यहाँ क्यों आई है? ऐसे ही मिलने आई है। क्या कहती है? आपको क्या, विनोद की दोस्त है उसे मिलने आई है। विनोद की दोस्त? हाँ। मगर विनोद के साथ दोस्ती हुई कैसे? जैसे भी हुई आप अपना काम। शर्त ये है कि तुम खाना चाहे जितना खाओ। हाँ। लेकिन उंगलियां मत चाटना। देखा माँ, अपने मुंह में मीठू बन रही है। क्यों? क्या पता हुआ? चलेगा कि दाल में शक्कर है और खीर में नमक। तुम देखो तो सही। हाँ हाँ मैं देखूं और तुम खाओ। हाँ
भैया भैया ये लो मैंने बनाया है। सुन, ये आपने बनाया है या काटा है? बनाया है। राखी के 100 रुपए लेकर आप मुझे गाजर, ककड़ी और टमाटर खिलाएंगी? वेरी गुड, मैं अभी आया। हेलो अशोक। हाँ मैं बोल रहा हूँ। क्या इस वक्त? अच्छा ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। माँ क्या है बेटे? माँ मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। भैया खाना तो खा के जाओ। बस गया और आया, बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं माँ, देखा ना, देखा ना, देखा, कुछ नहीं बेटे, उसको जरूरी काम होगा इसीलिए जा रहा है। और तुम लोग कोई खाना मत खाना, साथ में बैठ के खाएंगे। अच्छा अच्छा ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने काम बंद कर दिया बेटा और ये। लेकिन सेठ जी को हम तब तक यहाँ से निकलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। ये क्या बकवास है? आप लोगों ने काम बंद कर दिया ठीक है, लेकिन मांगों का फैसला कल दिन में भी तो हो सकता है। हमने बहुत इंतजार किया अशोक बाबू, फैसला आप दोनों करते हैं और इस वक्त आप दोनों हमारे सामने हैं। आपको हमारी मांगे पूरी करनी होंगी अभी। ये धमकी है, जबरदस्ती है। आप लोग मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप पुलिस को बुला सकते हैं। अंकल पुलिस को फोन कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस ये क्या कर रहे हो? छोड़ो टेलीफोन। कुंदन ये क्या कर रहे हो तुम? तुम टेलीफोन के तार काट। अरे तार काटने से क्या होगा? अरे कुंदन तब मिलने की कोशिश करो, टेलीफोन छोड़ दो। ये बुड्ढा हमें 4 साल से बेवकूफ बना रहा है। मैं इसकी जान डालूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। कुंदन ये क्या पागल कर रहे हो? छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ दे। हट जा तेज भैया, हाथ में से छोड़ दे। छोड़ूंगा नहीं इसे। मैं जान डालूंगा। नहीं कुंदन ये सरासर पागल कर रहे हो। भैया भी तो बताओ, छोड़ो मुझे इसे। छोड़ दो इसकी जान दे। मैं कहता हूं छोड़ दो। हट जा और मैं गोली मार दूंगा। ये धमकी किसी और को देना चाहिए? आज तुम दोनों रहोगे यहां। इसकी जान दे के रहूंगा। कुंदन अरे क्या हो गया? हटो हटो, ये क्या हो गया? अरे खून, अरे ये हॉस्पिटल ले जाओ। चलो चलो चलो। मिस्टर अशोक कहाँ है? क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मेरे भैया को? वही तो हम पूछना चाहते हैं कि मिस्टर अशोक कहाँ है? उन्होंने फैक्ट्री लीडर का खून कर दिया। की मौत का जिम्मेदार अशोक के। डॉक्टर साहब इस इंजेक्शन के बाद ये 4-5 दिन तो सोता रहेगा ना? जी हाँ। उसके बाद ये नींद की गोलियां देता रहूं? हाँ देते रहिए। जी अच्छा। क्या सेठ जगमोहन अपना रिवॉल्वर हमेशा दफ्तर में ही रखा करते थे? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अशोक ने गोली चलाई और दिनेश का खून कर दिया। दिमाग ही मानने को तैयार नहीं इंस्पेक्टर, वो तो बहुत ही शरीफ। और ये तो अदालत में ही पता चलेगा। एनी हाउ आपके सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए
शक्ति, तुम्हारा क्या ख्याल है, पुलिस अशोक को ढूंढ लेगी? ढूंढ लेगी? मेरा ख्याल है पेशेवर कातिलों को ढूंढना बहुत आसान है। शरीफ कातिलों को तो खुद पता नहीं चलता वो कहां छिपे हुए हैं। यू आर राइट। किसी की मौत पर आपको हंसी आ रही है ना? लेकिन इतना याद रखिएगा, कातिल बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे फांसी की सजा होगी। हाँ हाँ, जरूर होगी। हम कब कहते हैं कि उसे फांसी की सजा नहीं होगी? क्यों शक्ति, ठीक है ना? हाँ हाँ, पुलिस ना पकड़ सके तो ये अशोक को गिरफ्तार करवा के कानून के हवाले करवा देंगे। पुलिस सिर्फ आपके शक की बुनियाद पर किसी शरीफ आदमी को हथकड़ी नहीं पहना सकती। कम से कम तहकीकात तो कर सकती है, उन पर नजर तो रख सकती है। मुझे ये बताइए, उन दोनों आदमियों की आपके भाई से कोई दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन कभी उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी? देखिए मिस्टर, अगर आपको सिर्फ शक है तो पहले ठोस सबूत लाइए, फिर यहां आइए। ठीक है, आज नहीं तो कल सबूत लेकर ही आऊंगा। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे दोस्त लोग अशोक को ढूंढने में लगे हैं। अशोक है? आपकी कुछ नहीं। वैसे मैंने जिंदगी में तारीफ के काबिल कोई काम ही नहीं किया। वैसे तारीफ तो आप लोग बुजुर्गों की करनी चाहिए। वैसे मुझे यू सिंह कहते हैं। यू सिंह? यू सिंह नहीं, यू सिंह। मैं अशोक का दोस्त हूँ, आज ही कनाडा से आया हूँ। ओ अच्छा, आइए। आप हैं अशोक की माता जी। नमस्ते। और आप हैं अशोक की सिस्टर अनीता। अशोक घर पर नहीं है? देखिए, मैं अशोक का बहुत बचपन का दोस्त हूँ, आज ही कनाडा से आया हूँ। और कनाडा से आती मैंने सोचा पहले अशोक को मिल लूँ। आप लोग खामोश क्यों हैं? देखिए मिस्टर सिंह। यू सिंह? यू फॉर उमेश। उमेश जी, अशोक के हाथों से खून हो गया है। खून हो गया? अशोक से खून हो गया? ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो अशोक? माता जी, आप घबराइए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप उसे जल्दी बुलाइए, मैं उसे बचा लूंगा। हमें पता होता हम बचा लेते, हम भी बचा सकते हैं उसको। बड़ी हैरानी की बात है, कितने दिन हो गए इस बात को? आज 4 रोज हो गए। और 4 दिन से मां से मिलने नहीं है? अच्छा भला खाना खाने बैठा था उस रात, फैक्ट्री से फोन आया जल्दी आओ, तब से गया वापस नहीं आया। आप घबराओ मत माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। गायब हो गया। नमस्ते जी। इस तरह भेस बदल के आने की क्या जरूरत थी? भैया के बारे में पूछना था तो मुझसे पूछ लिया होता। अगर मैं पूछता तो क्या तुम बता देती अशोक कहाँ छुपा हुआ है? मुझे नहीं मालूम विनोद, मुझे सचमुच नहीं मालूम। भी होता तो क्या करती, बता देती, क्योंकि तुम उसकी बहन हो। ये मत भूलो अनिता कि मरने वाला भी मेरा भाई था, वो भाई जिसने मुझे छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना इतना प्यार दिया है कि मैंने कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं की। और आज वो नहीं रहा, उसका खून नहीं हुआ अनिता, खून मेरी श्रद्धा का हुआ है। विनोद, क्या मैं तुम्हारे दुख में दुखी नहीं? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? मैं सच कह रही हूँ विनोद, अशोक भैया ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ये खून। ऐसा नहीं किया तो भागे क्यों? अपने आपको पुलिस का हवाले क्यों नहीं कर देते? मुझे नहीं मालूम विनोद, अशोक भैया ऐसा क्यों नहीं कर लेते। मुझ पर विश्वास करो विनोद। मुझे तुम पर विश्वास है अनिता, लेकिन अपने आप से विश्वास उठ गया। पुण्य को देखता हूँ तो अपने आप को अपराधी महसूस करता हूँ, भाभी की सुनी मांग देखता हूँ तो आत्मा धिक्कारती है। मैं कैसा भाई हूँ अनिता, मैं कैसा भाई हूँ? भैया का खून हो गया और मैं चुप बैठा हूँ। मुझे जाने दो अनिता। भाभी। बहू, मैं अनिता की माँ हूं। हम दोनों के घर पर एक ही जैसी बिजली टूटी है, तुम्हारा घर भी सुना हो गया और हमारा घर भी। मैं चुप हूं।
तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है बहू, उसका भगवान जरूर बदला लेगा। असली कातिल को सजा जरूर मिलेगी। उससे क्या होगा, भगवान न करे अगर आपके बेटे के हाथों। नहीं नहीं बहू, मुझे अपने खून पर पूरा विश्वास है और उसी विश्वास की सौगंध, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सामने अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि इस हादसे के पीछे किसी और का हाथ है। हाँ भाभी, माँ ठीक कह रही है। और अगर विनोद दुश्मन न बनकर हमारा साथ दे तो शायद इस बात का पता चल सकता है। कुछ भी हो, मेरा सुहाग तो मिट गया। विनोद का भी कोई दोष नहीं, वो अपने भाई से इतना प्यार करता था। भाई के चले जाने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात बैठी है, कातिल को सजा दिलाए बगैर उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो विनोद अशोक ही है। उसे कहो माँ की बात का विश्वास करे, अशोक को गलत न समझे। कैसी तबीयत है तुम? मैं तो मुझे यहाँ लाया। हाँ अशोक जी, बरसों आपका नमक खाया है, वहां आपको छोड़ देता तो मजदूर आपको जान से मार डालते, यहां बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं यहां कब तक रहूंगा? खून का मामला है, जब तक पुलिस की भागदौड़ थमी नहीं हो जाती आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गोगा जी साहब, साहब के लिए पीछे का कमरा साफ। अच्छा साहब, ताकि इनके यहां रहने का किसी को पता न चले। जी जा, जल्दी जा। ठीक है ना? बस मेरा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसे जो इंजेक्शन दिया था उसका नशा 4 दिन के बाद आज उतरा है। अशोक को तो पूरा यकीन हो गया है कि खून उसी ने किया है। बिल्कुल, उसे ऐसी जगह छुपा दिया है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस गोलियां देता रहूंगा और उसका नशा बना रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसी नशे के दौरान मौका देखकर चुपके से उन कागजात पर दस्तखत भी करा लूंगा। ठीक है ना? मत समझो कि मैं अपाहिज हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरे कान है जो सुनते हैं, मेरी आंखें हैं जो देखती हैं। अच्छा, आंखें हैं जो देखती हैं, क्या देखती हैं? तुम्हारे सारे काले धंधे, और वो सब मैं पुलिस को खबर कर सकती हूँ। अच्छा, तो पुलिस को खबर कर दोगी? अरे गोगा जी साहब, 2 लोहे की सलाखें गर्म करके ले आ। दीदी जी, दीदी को कुछ मत कहिए, वो आज की बात कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं बोलेगी। मैं दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जीजा जी, दीदी को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए दीदा जी। ठीक है, तुम्हारे कहने से आज मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना याद रखो, आज के बाद तुम्हारी बहन ने जबान चलाई तो मैं इसकी जबान काट कर फेंक दूंगा, समझी? चौकीदार, यस सर। यहाँ का टेलीफोन कनेक्शन काट दो और इन दोनों पर सख्त नजर रखो। Bye.
इसी घर में रहती है, लेकिन तुम बाहर क्यों निकल आए? पुलिस ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन अब लेकिन लेकिन क्या, तुम फिक्र मत करो, तुम अंदर जाओ, जाओ जल्दी छुप जाओ। आपकी तबीयत कैसी है? आप यहाँ कैसे? मैं यहीं रहती हूँ। आप यहाँ रहती हैं? तो फिर वो कल रात काना? ये गोली दूध के साथ ले लीजिए। गोली? कैसी गोली है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। जब आप बेहोश थे, डॉक्टर साहब ये गोली आपको खाने के लिए दे गए हैं। वो गोपाल कहाँ है? वो बाहर गए हैं। कह रहे थे फैक्ट्री के वर्कर्स दिनेश के खून का बदला आपसे लेना चाहते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, ये गुनाह मेरे हाथों से हुआ कैसे?
कॉलेज खत्म हो गया क्या? मैं उस सामने इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में आया था। तुम घर जा रही हो? जी। चलो छोड़ देते हैं। नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। अरे मेरी गाड़ी होते हुए तुम टैक्सी में जाओगी, अच्छा लगेगा। अशोक के बारे में एक बात बतानी है। तुम लोग चलो। ओके बाय 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 बाय। विनोद बेकार ही तुम पे नाराज है। मैं जानता हूं अशोक खून नहीं कर सकता, आज नहीं तो कल विनोद समझ ही जाएगा। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरे एक दोस्त ने अशोक को देखा है। कहां? उसने, चलो चल के पूछ ही लेते हैं। वो बात ये है कि उस दिन इतने लोग थे कि मैं पूछ नहीं पाया। वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रहता है। क्या हुआ, अशोक का पता नहीं करना? चलो लेट्स गो। हाँ अनीता, कम ऑन, दरवाजा खोलो। ओह, मैंने हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं किया, थोड़ी देर में खोल दूंगा। अनीता, बहुत दिनों से मैं तुमसे बातें करना चाहता था। नहीं, साले विनोद के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शक्ति, लड़ने झगड़ने से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अभी तक अशोक हमारे काबू में नहीं है। जब तक उन कागजात पर अशोक के दस्तखत नहीं हो जाते, हम अशोक को शीला के जरिए गोलियां खिला खिला कर कमजोर करते जाएंगे। क्या हुआ? ये पुलिस यहाँ कैसे? पुलिस आपके लिए थोड़ी आई है, यूं ही रोड पर आई होगी। आप यहाँ हैं, इसका किसी को पता नहीं। लो गोली खा लो। नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इसके खाने से मुझे अजीब सा लगता है। शीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं, दे दे मुझे सजा, चढ़ा दे मुझे फांसी पर। लेकिन फिर मुझे माँ का ख्याल आता है, अपनी बहनों के बारे में सोचता हूं, उनकी देखभाल कौन करेगा। शीला, एक काम करोगी? कहो। मुझे उनकी फिक्र लगी है, एक बार मेरे घर चली जाओ और मां से कहो कि मेरी चिंता नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ देखा कि वो सब ठीक तो है ना। तुम फिक्र मत करो, मौका मिलते ही मैं जाऊंगी। सब ठीक है ना? हाँ जी। तुम लोग मकान के चारों तरफ इसी तरह चक्कर लगाते रहो। अच्छी बात। ताकि अशोक को पूरा पूरा यकीन हो जाए कि तुम लोग असली पुलिस हो। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है। शीला, शीला, तू ये सब क्यों करती है? कहा ना तुझे भाग जाए यहाँ से। नहीं दीदी, मैं भाग गई तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो अच्छा ही होगा, मेरी जिंदगी तेरे पैरों की जंजीर बन गई है। मैं जब तक नहीं मरूंगी तू यहाँ से नहीं निकल सकेगी। ऐसे मत कहो दीदी, तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? माँ की मरने के बाद मुझे तुमने ही बड़ा किया, प्यार ममता का साया दिया। मेरे लिए तुम बहन ही नहीं माँ भी हो, और माँ के लिए जितना भी त्याग किया जाए कम है दीदी, कम है। लेकिन मैं तेरे लिए न माँ बन सकी न बहन, बल्कि सिर्फ एक बोझ बन गई हूँ, सिर्फ एक बोझ। Yes? जरा विनोद को देना। मैं विनोद बोल रहा हूँ। अरे विनोद सुन, तू जल्दी से डिस्को में आ जा। क्यों? अरे तू इधर आ जा, मैं तेरे को सब बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ। जो रात भर हर करवट बदल बदल जागे जो रात भर, दिल आ गया होगा कहीं लड़ गई होगी नजर, अरे दिल आ गया होगा कहीं लड़ गई होगी नजर। ओ ला ला ला, ओ ला ला ला,
करवट बदल बदल जागे जो रात भर, करवट बदल बदल जागे जो रात भर। Come on, darling, let's तूफान जागे सोए अरमान जागे दिल में जवा प्यार के, कई तूफान जागे सोए अरमान जागे दिल में जवा प्यार के, चाहे कुछ कहे कोई जीत उसकी हुई बैठा जो दिल हार के। कई तूफान जागे सोए अरमान जागे दिल में जवा प्यार के, चाहे कुछ कहे कोई जीत उसकी हुई बैठा जो दिल हार के। जागे जो रात भर, हर करवट बदल बदल जागे जो रात भर। घबरा ना शर्मा ना होता है जवानी में यूं, दिल का मचल जाना घबरा ना शर्मा ना होता है जवानी में यूं, दिल मिले प्यार हुआ यही मेरे यार हुआ पूछो ना होता है क्यों। दिल का मचल जाना घबरा ना शर्मा ना होता है जवानी में यूं, दिल मिले प्यार हुआ यही मेरे यार हुआ पूछो ना होता है क्यों। जागे जो रात भर, अरे करवट बदल बदल जागे जो रात भर। दिल आ गया होगा कहीं लड़ गई होगी नजर, दिल आ गया होगा कहीं लड़ गई होगी नजर। हो ला ला ला, हो मुझे बार बार ये सपना क्यों आता है? कैसा सपना? जैसे कि गोली चलती है लेकिन गोली लगती नहीं, मैं खाम का फंस गया हूं। ऐसा लगता है शीला कि जैसे ये खून मैंने नहीं किया,
जब से तुम यहाँ आए हो मैं भी यही सोचती रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम खून कर सकते हो। हाँ मैं खून नहीं कर सकता। तुम्हारा दिल भी यही कहता है ना शीला? हाँ आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहां भी कोई मेरा अपना है। अच्छा तो तू यहां छुपा हुआ है? मेरे भाई का खून करके तो पुलिस से बच सकता है। देख विनोद, लेकिन मुझसे पहले मेरी बात। ये क्या कर रहे हो? तो तुमने इसे छिपा कर रखा है? देखो विनोद, बात समझने की कोशिश। गोपाल दरवाजा खोलो, मुझे विनोद से कुछ कहना है। अंदर जाने का कोई रास्ता है? नहीं तो आओ मेरे साथ। गोपाल, इसको उठाकर पहाड़ी से फेंक दो। तुम क्या हुआ? क्या हुआ साहब? यहाँ सब छान मारा, यहाँ कोई भी नहीं है। खामखा हमारा वक्त खराब किया। चलो आओ। अशोक को तबेले में छुपा दिया है ना? हाँ। तो ये लो, इस कागज पर उसका दस्तखत करा लाओ। क्या है इसमें? इस पर दस्तखत होने के बाद अशोक की सारी जायदाद का मालिक मैं बन जाऊंगा। ये धोखा है? कोई धोखा नहीं, अशोक एक खूनी है और खूनी का माल हड़प करने में कोई धोखा नहीं। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। बदतमीज, खबरदार जो शीला को हाथ लगाया तो ये तुम्हारा काम हरगिज नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, तुम्हारे जैसा मोहरा जो मेरे हाथ में है, है? सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। कागजात पर दस्तखत होते ही मैं अशोक को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगा। दीदी क्या हुआ? दीदी सहर, दीदी ये तुमने क्या किया? दीदी अच्छा ही क्यों रे, ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। नहीं दीदी, नहीं। तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती। नहीं दीदी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती दीदी, नहीं जा सकती। वक्त नहीं है, तू अशोक को लेकर कहीं दूर भाग जा, इन लोगों की नजरों से दूर। दीदी मेरा आशीर्वाद। दीदी अशोक बाबू भाग जाओ यहाँ से, वो लोग सब तुम्हारे दुश्मन हैं। भाग जाओ। कौन दुश्मन? मेरे जीजाजी, मैंने फोन में बातें करते हुए सुना है किसी कागजात पर दस्तखत लेने के बाद वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। भाग जाओ, जल्दी करो। क्या कह रही हो तुम? भाग जाओ। कहाँ लिए जा रही हो अशोक बाबू को? अशोक बाबू ये बेवकूफ है, इसकी बातों में मत आइएगा। हाँ मुझे भी ऐसी लगा, क्योंकि तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। मैं आपके साथ कैसे धोखा कर सकता हूँ? ठीक है ना अशोक बाबू, अपनी कंपनी ने जो 11 लाख रुपए के लोन लिए थे उसमें सिर्फ राजनारायण जी के ही दस्तखत हैं। अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, दोनों डायरेक्टरों के साइन चाहिए, आपके दस्तखत करने हैं। लाइए मैं साइन कर देता हूं। ये रहा पेन। अशोक बाबू साइन मत करना। चुप रह, लीजिए पेन। अशोक बाबू ये क्या किया आपने? ठीक किया।
रिश्ता मुझसे और यारी किसी और से। दरवाजा खोलो। हाँ हाँ खोलती हूँ खोलती हूँ। अंदर आओ। हाँ अनीता, अनीता मिट्टी, अशोक आया है। अशोक भैया हाँ। कहाँ है? उधर का दरवाजा खोल। अशोक भैया जल्दी आओ। अशोक, माँ। अशोक मेरे लाल बेटे, तू कहाँ चला गया था? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? माँ मैंने खून नहीं किया। माँ लेकिन भैया तुम भागे क्यों? मैं भागा नहीं अनीता, ये सब मुझे फंसाने की चाल थी। जानता है तेरे पीछे पुलिस है। हाँ माँ, विनोद और उसकी भाभी भी यही समझते हैं कि खून तुमने किया है। चल कुछ खा पी ले, बहुत दिनों से ठीक से खाया भी नहीं होगा। हाँ माँ, लेकिन तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाँ शीला। तुम चलो मैं लेकर आती हूँ। हाँ चल अंदर चल आओ। शीला मैं तुम्हें माँ से मिलाता हूँ। माँ ये शीला है, इसने मेरी काफी मदद की। जीती रहो बेटी, मैं तुम्हें जितना भी आशीर्वाद दूँ कम होगा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो क्या तू फिर चला जाएगा? हाँ माँ, तुम तो जानती हो इस घर पर पुलिस का पहरा है, और अगर मैं पकड़ा गया तो अपने को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा, और फिर मुझे असली कातिल को भी ढूंढना है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है विनोद को कैसे समझाऊं। अनीता क्या तुम मुझे विनोद की भाभी से मिला सकती हो? हाँ भैया। भाभी आओ। क्या बात है अनीता? भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया पूनम श्री मंच के नीचे छुपे हुए हैं, वो यहाँ आना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि विनोद के दिल में। भाभी आप उनसे चलकर एक बार मिल लीजिए, उनके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज भाभी। तो पुस्तिल खून करके यहाँ छुपा हुआ आया। नहीं विनोद, विनोद तुझे गलतफहमी है। गलतफहमी? उस दिन क्या सोचा था मेरे भाई की तरह मुझे भी मारकर निकल जाएगा? विनोद मैं कई बार कह चुका हूँ यह खून मैंने नहीं किया। नहीं। कौन खूनी कहता है कि खून उसने किया है? लेकिन आज तुझे अपना खून बहता दिखाई देगा। खून तेरी रगों में भी है विनोद, मैं भी तेरा खून बहा सकता हूं। छोड़ दे इसे बेटे, छोड़ दे। माँ तुम ठीक तो हो ना?
तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया? नहीं, 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 तुझे मेरी कसम, जो तू आगे बढ़ा, मार, मुझे मार, अपने भाई का बदला लेने के लिए तुझे जान ही चाहिए ना, तो मेरी जान ले ले, विनोद, क्या कर रहा है तू? तेरे जिस भाई ने दूसरों के लिए जान दे दी, तू उन्हीं का भाई हत्यारा बनेगा? तुम क्या चाहती हो? मैं अपने भाई के खूनी को छोड़ दूँ? विनोद, अशोक भैया ने खून नहीं किया। अगर खून नहीं किया तो भागा क्यों था? आज तक कानून से क्यों छुपा हुआ है? मैं छुपा नहीं था, छुपाया गया था, एक कैदी की तरह, अपनी माँ से दूर, अपनी बहनों से दूर। ये तो अगर शीला ना होती तो। आप मेरा विश्वास कीजिए, अशोक खूनी नहीं है। अगर ये खूनी होते तो वो लोग इन्हें मेरे हाथ से नशे की गोलियां नहीं दिलवाते। कौन लोग? मेरे जीजाजी गोपाल। मुझे तो शर्म आती है उन्हें जीजाजी कहते हुए। वो इन्हें धोखे से उस बंगले पर ले आए। दरअसल वो इनसे फैक्ट्री के पेपरों पर दस्तखत करवाकर मार डालना चाहते थे। और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता है तो मैं अपनी माँ को छूकर कसम खाता हूं कि अगर यह साबित हो जाए कि कातिल मैं हूं तो मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और फिर जो सजा देना चाहो दे देना। गोपाल का साथी कौन है? शक्ति? मुझे तो कुंदन पे भी शक है, जो तुम्हारे भाई का साथी था। कुत्ता? कुत्ता? गधा? गधा? उल्लू का पट्टा? उल्लू का पट्टा कौन? अरे ये डॉली है ना, वो हमको उल्लू बना के अपना बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को गया है। अब ये जो है इसका बॉयफ्रेंड, वो हमारा लव का ट्रायंगल में विलन बन गया है। कोई सुजीत कुमार ऐसा नाम है। अच्छा। अरे मेरा तो लाइफ बर्बाद कर दिया है, रात को नींद नहीं आता है मेरे को। हम ये सुजीत कुमार के बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है एकदम से, लेकिन क्या करो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कैसे इसको खत्म करो। तुम चाहता है कि कोई प्रोफेशनल किलर चाहिए? अरे प्रोफेशनल किलर मिल जाए, हमारे रास्ते का कांटा निकाल दे बीच में से। तुम 50,000 रुपए देगा? अरे 50,000? हम 50,00,000 देने को तैयार है, लेकिन डॉली मेरे को चाहिए। बोलो कैसे करेगा? बताता है। 10,000 रुपए पेशगी दो, वो काम हम खुद करेगा, उसको हम खत्म करेगा। इतने सस्ते में खत्म मत कर कुंदन। विनोद, मेरे भाई का खून तूने किया था ना? नहीं। कितने पैसे मिले थे? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे भैया का खून करने के लिए तुझे कितने पैसे मिले थे? मैं नहीं जानता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यही वो जगह है विनोद, जहां हादसा हुआ था। दिनेश भाई यहाँ खड़े हुए थे, राजनर वहां पर था, और कुंदन यहाँ खड़ा हुआ था जहाँ तू खड़ा है। दोनों की आपस में कुछ बहस हो रही थी। कुंदन राजनारायण को मारने के लिए आगे बढ़ा कि दिनेश भाई ने उसे रोक लिया, और रोक के उसे धक्का दिया, वो यहाँ आकर गिरा। कुंदन के हाथ में छुरी आ गई, इस छुरी से वो दोबारा अटैक करने गया। दिनेश भाई ने उसे बहुत रोका। उस वक्त मैं हूं ना विनोद, यहाँ खड़ा देख रहा था
उनके झगड़े को रोकने के लिए, कुंदन को डराने के लिए मैंने ड्रॉर से रिवॉल्वर निकाली कि उस बीच अंधेरा हो गया और अचानक मेरे हाथ से एक मिनट गोलियां दो चली थी लेकिन भैया की पीठ पे एक ही गोली थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं विनोद कि मेरी गोली भैया को नहीं लगी। अगर तेरी गोली भैया को नहीं लगी तो फिर तेरे हाथ के निशाने के हिसाब से गोली यही कहीं होनी चाहिए। मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूं, हमें सबूत मिल गया है। हेलो, कौन? अनिता? हाँ? मैं विनोद बोल रहा हूं। तुम ऐसा करो, रिट्स होटल के पास जल्दी चले आओ। अशोक मेरे साथ है। अशोक भैया तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, फोन पर आ नहीं सकता। मैं भी आई। अपनी अनीता की चीखों पुकार, बेचारी हमारे कब्जे में है, लेकिन हमें अनीता नहीं अशोक चाहिए जो तुम्हारे कब्जे में है। अशोक को हमारे पास ले आओ, अनीता को ले जाओ, लेकिन पुलिस को खबर की तो अनीता की लाश ही मिलेगी। आज रात सिउरी के गोदाम नंबर 3 में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, रात के ठीक 12 बजे, समझ गए? 12 बजे। रुक जाओ,
कौन है आप? अंकल? हाँ, मैं उन लोगों से काम नहीं हो सका, इसलिए मजबूरन मुझे सामने आना पड़ा। साइन करो। ये क्या है? ये किसका नाम लिखा? आपका, राज नारायण। जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? ठहरो 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 ठहरो, ये तो नकली था, असली तो उधर है। उधर जानते हो इसे? ये वही रिवॉल्वर है जिससे दिनेश का खून हुआ था। तुम समझते थे दिनेश पर गोली तुमने चलाई थी? नहीं, दिनेश पर गोली मैंने चलाई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशोक, तुम्हारा दोस्त भी अपने भाई की तरह कुछ ज्यादा ही बोलता है, और मुझे इसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। एक गोली एक निशाना, लो इसमें गोली कहां है पता नहीं, लेकिन उसमें तो पता है। अगर अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। अपने हाथ से ही अपने दोस्त को निशाना बनाओ। सोच क्या रहे हो, बहन चाहिए या दोस्त? चलो उसकी जाके मदद करते, उसकी इज्जत खतरे में। चलो नागनो कमाल बता दिया। जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल, खोलो खोलो अभी, जैसे जल्दी खोल। नहीं अब उस्ताद तू तमारो चेलो छु, अब रुसनीलो चेलो लागे छे। मिक्स करता है उस्ताद, जब जाके अभी जल्दी छे कहां।
डर गया वो मर गया। देख तू जा बीन बजा, मैं दूसरे को देखता हूँ। मानिया इतना बड़ा हो गया पोपट के साथ खेल रहा है। उस्ताद अपने बच्चे लोग के लिए खिलौने जमा कर रहा हूँ। मानिया पोकट का माला इसलिए है। अरे पहली टाइम सामने से पता ना रहा है। भुकट का माल जमा किया ना, अभी भुकट में मार भी खा। जरा मारो मारो मुझे माफ कर देना। अरे तुम दोनों एक दूसरे को बधाई देगा या मुक्का वाला सेठ को भूल गया जो इतना आदमी को मुक्का मार मार के तुम दोनों को बचाया? अरे मुक्का वाला सेठ मेरे को बचाओ, मैंने तो मरेले को मारा है। अरे तुम तो मरेले को मारा इसलिए तुमको करेला देना पड़ेगा। जाओ ले जाओ इसको एक डंडा ले जाओ। कभी खुल के मिले कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले मिलके खुले चाहे जले सारा जहां। कभी खुल के मिले कभी मिलके खुले, कभी खुल के मिले मिलके खुले चाहे जले सारा जहां।